गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप आईएएस डेली करेंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है। यूपीएससी हर साल 30 से 35 क्वेश्चन करेंट अफेयर के रूप में पूछती है, जो 25 अलग अलग आयामों से होते हैं। इन्हें कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों जैसे द हिंदू, मिंट, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, राज्यसभा टीवी इत्यादि से पूछे जाते हैं। इन्हीं कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों से हम आपके लिए करेंट अफेयर के टॉपिक लेकर आते हैं, उसे एमसीक्यू के रूप में डिस्कशन करते हैं। ये जुलाई महीने का हमारा 13वां डिस्कशन वीडियो है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है? डेटा सुरक्षा ढांचा तैयार करने से संबंधित सरकार द्वारा नियुक्त समिति का नेतृत्व किया गया था। यहाँ पर चार व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है सरकार द्वारा गठित डेटा सुरक्षा से संबंधित जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 2 के महत्वपूर्ण समिति साथ ही डेटा सुरक्षा से जोड़कर देख सकते हैं। यदि हम बात करें सरकार द्वारा गठित की गई डेटा सुरक्षा से संबंधित समिति के अध्यक्ष की, तो इसकी अध्यक्षता बीएन श्रीकृष्ण ने की थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे यूपीएससी ने पहले इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। यदि हम बात करें इसके आधार का, तो 2017 में पुट्टा स्वामी मामले के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निजता मामले को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया। उसके बाद सरकार के द्वारा भारत में उत्पन्न होने वाले डेटा को कैसे सुरक्षित किया जाए, इस बात पर सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी एन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की गई थी। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ये भी ध्यान रखना है पुट्टा स्वामी मामला किससे जुड़ा हुआ था, या फिर ये भी याद रखना है कि निजता को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया वो किस मामले में था, ये भी आप याद रखेंगे। जो रिपोर्ट बी एन श्रीकृष्ण समिति के द्वारा सौंपी गई थी उसमें ये कहा गया था कि डाटा सुरक्षा करने के नाम पर यदि व्यापार को नुकसान होता है तो इसे होने से रोका जाए। कहने का ये मतलब है कि मान लेते हैं कि YouTube जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, अगर YouTube कहती है कि हम भारत में आधारभूत संरचना की कमी के वजह से डेटा को इंडिया में सुरक्षित नहीं रख सकते, इंडिया में उसे स्टोर करके नहीं रख सकते, इसे हमें अमेरिका लेकर जाना ही होगा, तो भारत सरकार YouTube को ये नहीं कह सकती कि आप भारत छोड़ दीजिए, आप YouTube को भारत में संचालित मत कीजिए। मतलब सरकार व्यापार को डेटा सुरक्षा के नाम पर नुकसान होने नहीं देगी, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है? संयुक्त राष्ट्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं, आपको संयुक्त राष्ट्र से संबंधित तीनों जानकारियों पर सही जानकारी की पहचान करनी है। फ्रेंड्स, हम अभी पिछले 2-3 डिस्कशन में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उसको देख रहे हैं। उसी से संबंधित एक और प्रश्न है, उसे आप देख लें। इसे आप हमारे जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जोड़कर देख सकते हैं। पहला कथन क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र के दो विवाद समाधान तंत्र हैं। ये गलत है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के जो 6 महत्वपूर्ण अंग हैं उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो न्याय से संबंधित मामलों को देखता है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है वो एक अलग संस्थान है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कुछ मामलों के निपटान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को भी काम सौंपे जाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का सदस्य या फिर अंग नहीं है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। तो पहला कथन गलत है। दूसरा कथन क्या कहता है? यूएन के सभी सदस्य राज्य यूनेस्को के भी सदस्य हैं। ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन में कुल 193 सदस्य हैं, लेकिन यूनेस्को के सदस्यों की संख्या इतनी नहीं है। यूएसए और इजराइल जैसे कुछ देश हैं जो यूनेस्को के सदस्य नहीं हैं, ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी अभी यूएसए के द्वारा WHO जो कि स्वास्थ्य संबंधित मामलों को देखने के लिए यूनाइटेड नेशन का एक अंग है, एक भाग है, एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उसकी सदस्यता भी छोड़ दी गई है। तो इससे पहले यूएसए के द्वारा यूनेस्को की भी सदस्य छोड़ी जा चुकी थी।
तो इसे आप ध्यान रखेंगे, दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा कथन क्या कहता है, ट्रस्टशिप काउंसिल के साथ आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंग में से हैं। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोगों ने अपने पिछले डिस्कशन में देखा था कि इसके कौन से महत्वपूर्ण अंग हैं। तो इस क्वेश्चन में सही पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप निश्चित रूप से उससे होकर गुजरें। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS के अनुसार कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट के निर्धारक निम्नलिखित में से कौन से हैं। यहां पर 4 ऐसे आयाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि टोटल फर्टिलिटी रेट को कौन से वो कारक हैं जो निर्धारित करते हैं। आपके दिए गए ऑप्शन में शिक्षा, गर्भ निरोधक उपाय, धर्म, आय या तो धन। फ्रेंड्स आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 1 के जनसंख्या और उससे संबंधित मुद्दों से जोड़कर देख सकते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि कुल प्रजनन दर का, तो इसका मतलब ये होता है कि कोई महिला अपने प्रजनन काल के दौरान कितने बच्चों को जन्म देती है, तो उसे कुल प्रजनन दर कहा जाता है। अगर हम बात करें प्रजनन दर को निर्धारित करने वाले कारकों का, तो शिक्षा बिल्कुल है। आपने देखा होगा कि जो लोग शिक्षित होते हैं सामान्यतः ज्यादा बच्चे करना पसंद नहीं करते, वे इग्नोर करते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे वो प्रिफरेंस देते हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षा जनसंख्या के अंतर्गत कुल प्रजनन दर के निर्धारण में कार्य करता है। गर्भ निरोधक उपाय ये भी कुल प्रजनन दर में निर्धारक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि गर्भ निरोधक गोलियां या फिर प्रोटेक्शन या फिर कुछ समय के बाद बंध्याकरण इत्यादि गतिविधियों को अपनाया जाता है, तो इसके माध्यम से जनसंख्या वृद्धि दर और साथ ही कुल प्रजनन दर भी प्रभावित होती है। धर्म के मामले में भी देखा गया है, आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा कि मुसलमान में प्रजनन दर सामान्यतः ज्यादा होती है और ये काफी ज्यादा होती है। उसी की तुलना में आपने जैन धर्म में देखा होगा कि उनकी प्रजनन दर बहुत कम होती है। उनकी जनसंख्या के कम होने का एक महत्वपूर्ण कारण उनके प्रजनन दर का भी कम होना है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। आय भी बिल्कुल मैटर करता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो लोग गरीब होते हैं सामान्यतः उनके बच्चे ज्यादा होते हैं, तो आय भी कार्य करता है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फ्रेंड्स ये न्यूज में क्यों आया है, तो फ्रेंड्स 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था, तो आप इस बात को भी याद रखेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। एक और एक मिलके 2 बनता है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि 11 जुलाई जो है वो जनसंख्या दिवस है। इस बार का थीम भी आपको याद रखना है, COVID-19 महामारी के बीच महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा कैसे करें, ये 2020 का थीम है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में 1989 से संयुक्त राष्ट्र के आदेश के बाद मनाया जा रहा है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं जो भारत से संबंधित हैं, जो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स अगर किसी देश को अपनी जनसंख्या को स्थिर रखना है, मतलब जितनी उसकी जनसंख्या है उसे उतना ही बनाए रखना है, तो प्रजनन दर 2.1 रखना होगा, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। भारत का राष्ट्रीय प्रजनन दर, कुल राष्ट्रीय प्रजनन दर कितना है, तो 2.2, हम दो हमारे दो, आप याद रखेंगे, ये छोटा सा ट्रिक है, हम दो हमारे दो, तो हमारे देश का कुल प्रजनन दर 2.2 है। भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका प्रजनन दर राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है, जैसे कि बिहार का 3.2, उत्तर प्रदेश का 3, राजस्थान का 2.6 और झारखंड का 2.5, तो इसे भी आप याद रखेंगे। एक अन्य बात, भारत पूरे विश्व का केवल 2% भूभाग की हिस्सेदारी करता है, लेकिन विश्व की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सेदारी करता है, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी फ्रेंड्स जनसंख्या से संबंधित भारत के मामले में, आप इन्हें याद रखें। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है,
भारत का राष्ट्रीय सौर मिशन जलवायु परिवर्तन के राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। कौन आता है? राष्ट्रीय सौर मिशन। ये आपको जानकारी के रूप में बता रहा है। आगे क्या कहता है, भारत के राष्ट्रीय सौर मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां पर आपको तीन कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन क्या कहता है कि 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। फ्रेंड्स, ये जानकारी बिल्कुल सही है, आप इसे याद रख लीजिए। भारत सरकार के द्वारा 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 175 गीगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था। उसके अंतर्गत 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 100 गीगावाट जो है वो सौर ऊर्जा से था, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट, 10 गीगावाट जो था वो बायोमास से था, और 5 गीगावाट जो था वो लघु पनबिजली योजनाओं से था। तो 175 हो गया। इसको प्राप्त करने का जो लक्ष्य था वो कब तक है? 2022 तक। सरकार अच्छा खासा इस दिशा में आगे बढ़ रही है, आई होप कि इसे प्राप्त कर लिया जाएगा। तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कहता है, लक्ष्य में छत परियोजना के साथ साथ बड़े और मध्यम पैमाने पर ग्रीड से जुड़े सौर ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं। यह भी जानकारी बिल्कुल सही है। छत परियोजना कहने का मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने गांव में अपने घर के छत पर सौर ऊर्जा से संबंधित संयंत्र लगाता है तो उसे भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। यदि ऐसा होता है कि कोई राजस्थान का गांव है, उस गांव में पूरे के पूरे गांव के लोग अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए घरों के छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाते हैं, यदि उसके पास से होकर कोई बिजली का तार गुजरता है तो जब भी इस गांव का बिजली उत्पादन एक्सेस होगा, ज्यादा होगा, तो ये बिजली कंपनी को अपने बिजली को बेच देगी, और अगर कभी इसको इस गांव को बिजली की कमी हो जाए तो ये जो रास्ता, ये जो बिजली का तार जा रहा था, इसी से उस गांव को बिजली भी उत्पादन किया जाए। तो इस प्रकार से जो जोड़ा जाता है उसे ग्रीड परियोजना कहा जाता है। साथ ही जो अभी आपने रीवा मध्य प्रदेश में देखा होगा, 750 मेगावाट का बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है, वो एक ऊर्जा, सौर ऊर्जा से संबंधित विशेष परियोजना आधारित संयंत्र होते हैं। तो ये सारी योजनाओं को राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत शामिल किया गया है, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे, ये सारी जानकारियां बिल्कुल सही हैं। तीसरा कथन क्या कहता है, राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र को चालू करने की योजना बना रहा है। हमने अपने पिछले डिस्कशन में इसे देखा था, जीरो मिशन जीरो नामक एक कार्यक्रम शुरू की गई है जिसके माध्यम से 2030 तक राष्ट्र भारतीय रेलवे के द्वारा कहा गया है कि हम अपनी बिजली आवश्यकता को 100% सौर ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करेंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। तो इस क्वेश्चन की हम यदि बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सारे के सारे जानकारियां बिल्कुल सही हैं। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि आप जानते हैं मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट का बिजली संयंत्र लगाया गया, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ये वहां पर स्थित 150 हेक्टेयर के सौर पार्क के अंतर्गत 50 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित किया गया है। इसे किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के द्वारा इसे निर्मित किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सेंट्रे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इन दोनों का एक संयुक्त उद्यम है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात, ये जो सोलर पावर प्लांट लगाया गया है वो एक साल में 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा। कहने का ये मतलब है कि इतना बिजली उत्पादन करने के लिए 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड हवाओं में घुल जाता, और उसको सोखने के लिए 26 मिलियन पेड़ लगाने पड़ते, लेकिन इस ऊर्जा संयंत्र के वजह से
इतना कार्बन डाइऑक्साइड हवाओं में नहीं घुलेगा, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अगर फैक्ट के रूप में यूपीएससी ऐसा पूछती है तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें कि क्या ये जो पावर प्लांट अभी लगाया गया है वो सबसे बड़ा है, जी नहीं, ये इससे पहले भी राजस्थान के जोधपुर जिले के भादला सोलर पावर प्लांट जो है वो 2245 मेगावाट का है। उसी प्रकार कर्नाटक के तुमकर जिले के पावागढ़ सोलर पावर प्लांट जो है वो 2050 मेगावाट क्षमता का है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। एक अन्य बात, जो बिजली बेचा जाएगा वो लगभग 3 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से बेचा जाएगा। हम लोग दिल्ली में प्रति यूनिट 8 रुपये से लेकर 10 रुपये तक देते हैं अभी, और इसकी कीमत आप देखिए 3 रुपया है, तो ये काफी काफी सस्ता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। कितना में बनाया गया ये सब आपको नहीं पूछेगा, जो बातें हम लोगों ने डिस्कशन करी है आप इन सारी बातों को याद रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, असीम पोर्टल हाल ही में किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपके दिए गए ऑप्शन में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। फ्रेंड्स, आप हमारे इस डिस्कशन को जीएस पेपर 2 के सरकारी पहल से जोड़कर देख सकते हैं। असीम पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसमें हम और आप दोनों जाकर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। किस चीज के लिए? यदि आपको रोजगार चाहिए तो आप जाकर किसी विशेष कौशल को रखते हैं तो यहां पर रजिस्टर करा दीजिए। आप अपने कौशल को बता दीजिए कि आप कौन सा काम कर सकते हैं। इसी पोर्टल में कोई औद्योगिक कंपनी या फिर कोई नियोक्ता जो कि नौकरी देना चाहता है या फिर उद्यम लगाना चाहता है वो भी अपने आप को जाकर यहां रजिस्टर करा देंगे। आपने अपने गांव या फिर अपने शहरों में ऐसा देखा होगा कि कोई एक विशेष चौराहा होता है जहां पर मजदूर आकर जमा हो जाते हैं हर दिन सुबह सुबह। जिन लोगों को उनसे काम लेना होता है वो लोग आते हैं और मजदूरों को लेकर चले जाते हैं। ये जो असीम पोर्टल है वो इसी तरह से काम करेगा। एक ऐसा पोर्टल होगा जहां पर जिन लोगों को रोजगार चाहिए अपने आप को रजिस्टर करा लेंगे, जिन लोगों को रोजगार देना है वो लोग भी यहां पर अपने आप को रजिस्टर करा लेंगे, या फिर जाकर जो लोग यहां पर रजिस्टर करा चुके हैं उनको यहां से फोन करके बुलाया जा सकता है। इसे किसके द्वारा शुरू किया गया है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आई होप आपने असीम पोर्टल के बारे में समझ लिया है, तो आप ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कुछ मिसलिनियस टॉपिक है फ्रेंड्स, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखें। सबसे पहला जो मिसलिनियस टॉपिक है वो हागिया सोफिया से संबंधित है। आपको ये पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये तुर्की के इस्तांबुल में स्थित एक तीर्थ स्थल है जिसका निर्माण बाइजेंटाइन साम्राज्य के द्वारा एक चर्च के रूप में की गई थी, लेकिन ओटोमन साम्राज्य जो कि एक इस्लामी साम्राज्य से संबंधित था 1453 में यहां पर हमला किया जाता है और इसे मस्जिद में जो कि चर्च था उसे एक मस्जिद के रूप में तब्दील कर दी जाती है। हालांकि यहां पर अभी ईसाई और मुस्लिम ये दोनों इसे तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं, यहां आते हैं और अपने कर्मकांड से संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं उसको करते हैं। वो इसलिए संभव हो पाया क्योंकि 1935 में मुस्तफा कमाल के द्वारा तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में घोषित कर दिया गया था। यूनेस्को के अंतर्गत इसे एक विश्व धरोहर सूची के रूप में शामिल किया गया है। न्यूज में क्यों था फ्रेंड्स? क्योंकि तुर्की के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी आदेश दिया गया है कि हागिया सोफिया को अब एक मस्जिद के रूप में तब्दील कर दिया जाए, इसे चर्च के रूप में न रहने दिया जाए। इसलिए यह न्यूज में था, आपसे पूछा जा सकता है। आप मैप भी देखें क्योंकि यह पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, तुर्की आप इसे यहां देख सकते हैं, इसके उत्तर में काला सागर है, उत्तर पूर्व में काला सागर है और इसके दक्षिण पश्चिम का हिस्सा जो है वहां पर भूमध्य सागर है।
इसका कुछ हिस्सा एशिया में आता है और एक छोटा सा हिस्सा जो है वो यूरोप के अंतर्गत आता है। जो इसकी राजधानी है इस्तांबुल, वो यूरोप के अंतर्गत ही आता है। हागिया सोफिया जो है वो यहाँ पर है इस्तांबुल में, इसे आप देख सकते हैं। तो मैप भी पूछा जा सकता है, आप इसे ध्यान रखेंगे। जो मिसलिनियस टॉपिक है उसके अंतर्गत इंडिया इंक, ये क्या है? तो फ्रेंड्स, लंदन में स्थित मीडिया हाउस के द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन लंदन में किया जाता है और वहां की मीडिया के द्वारा किया जाता है। 2020 में जो आयोजन किया गया है उसमें 30 देशों को आमंत्रित किया गया, उसके बहुत सारे प्रतिभागियों ने शामिल हुए। इसका जो थीम था वो द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, इस बार का थीम था, इसे आप याद रखेंगे। जो बात विचार इस बार की गई वो कोरोना महामारी की वजह से जो व्यापार को नुकसान हो रहा है, जो राजनीतिक और सांस्कृतिक अवसर भारत के लिए उत्पन्न हुए हैं, उसमें कैसे अपने आप को भारत स्थापित कर पाएगा, उस बात को लेकर चर्चा की गई। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूछा जा सकता है इंडिया इंक क्या है? तो ये एक प्रकार का आयोजन है जो लंदन में आयोजित किया जाता है और वहां की मीडिया हाउस के द्वारा आयोजित किया जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। एक अन्य जो मिसलिनियस टॉपिक है वो इटोली जुमाब के बारे में है। आपको पूछा जा सकता है कि ये न्यूज में देखा गया था, क्या है? तो फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे इटोली जुमाब जो है वो एक प्रकार का एंटीबॉडी है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर जो एंटीजन होते हैं उनको मारने के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि इसे कुछ समय तक भारत में प्रतिबंधित रखा गया था, लेकिन अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि DCGI के द्वारा इसे अनुमति दी गई है। आपातकालीन स्थिति में इसे इसका उपयोग किया जा सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है वो टाइगर ऑर्चिड से संबंधित है। आपको ये पूछा जाएगा कि टाइगर ऑर्चिड क्या है? तो आप याद रखेंगे ये एक प्रकार की फूल है। ऑर्चिड आप जानते हैं फूल होती है, तो टाइगर ऑर्चिड भी एक फूल है। इसके 500 से ज्यादा प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, लेकिन जो टाइगर ऑर्चिड है वो भारत की मूल प्रजाति नहीं है। ये मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में पाया जाता है। इसका वजन, इसका जो पेड़ होता है, इसका जो पौधा होता है वो काफी बड़ा होता है। इसका वजन लगभग 2 टन के आसपास होता है। यही वजह है कि इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंतर्गत दर्ज किया गया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ये देखने में कुछ इस प्रकार की होती है, इसे आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा अंतिम टॉपिक है वो ग्राउंड ऑर्चिड से संबंधित है। इसे हाल फिलहाल में दुधवा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 118 सालों के बाद देखा गया है। इसको इससे पहले 1902 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है वहां पर देखा गया था। ये देखने में कुछ इस प्रकार की होती है, इसे भी आप देख सकते हैं। इसे IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत गंभीर रूप से लुप्त प्राय यानी कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। साइट्स के अंतर्गत भी इसे Tier 2 के अंतर्गत एक दुर्लभ प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ग्राउंड ऑर्चिड, दुधवा टाइगर रिजर्व 118 साल के बाद, और कहां पर इससे पहले देखा गया था? 1902 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में IUCN के अंतर्गत ये कौन से सूची में शामिल है। अगर हम बात करें दुधवा टाइगर रिजर्व का, तो आप देख सकते हैं जो नेपाल के साथ सीमा लगती है वहां पर स्थित है, उसके ठीक ऊपर में पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। आई होप आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। थैंक यू वेरी मच।